हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं रघु और आप सभी का स्वागत है दिल से LKR रघु की टीम में। दोस्तों, आज मैं बना रहा हूं बहुत सिंपल तरीके से मजेदार छोले। तो चलो मिलके बनाते दोस्तों, देर किस बात की। फिर मैंने यहां लिए एक कटोरी छोले दोस्तों, इसको बिगा लेंगे। यहां मैंने दोस्तों ओवरनाइट बिगाने के बाद बढ़िया फूल चुके दोस्तों। यहाँ पर मैंने लिए दोस्तों 1 चम्मच से 1.5 चम्मच चाय पत्ती, 1 टुकड़ा दालचीनी, 4 से 5 का लौंग, 4 से 5 काली मिर्च और 4 से 5 हरी वाली इलायची दोस्तों। इसके बना लिए फर्स्ट क्लास पोटली। तो यहाँ हमारे आगे छोले, पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं दोस्तों, जितना भी आपको पानी चाहिए। तो यहाँ आगे हमारी पोटली, पोटली के साथ डालेंगे इसमें थोड़ा सा स्वाद नमक स्वाद के हिसाब से, उसके साथ ही थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे इसको सीटी। तब आप अपना कुकर देख लो, जितने कुकर में आपका बनता हो। यहाँ पर डालो मैं एक चुटकी सिंदूर नहीं, एक चुटकी मैं डाल रहा हूँ मीठा वाला सोडा दोस्तों, इसे बढ़िया गल जाते छोले। तो यहाँ मैंने लिए दोस्तों 4 छोटे मीडियम साइज के टमाटर, 2 प्याज, 1 टुकड़ा अदरक का और थोड़ा हरा धनिया। तो यहाँ पर मैंने प्याज को बिल्कुल बारीक काट लिया है और टमाटर की प्यूरी बना ली दोस्तों, धनिया चॉप हो गया और अदरक मोटा मोटा। यहाँ 1 चम्मच जीरा आ गया दोस्तों मसाले में, और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच हल्दी, उसके साथ ही 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया, और इसके साथ ही आ गया अनारदाना दोस्तों। और अनारदाने के साथ में थोड़ा सा गरम मसाला और कस्तूरी मेथी, इसको हम लास्ट में डालेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल है ना सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच आ गया हमारा जीरा, 4 से 5 टेबल उसमें मैंने ऑयल डाला दोस्तों। इसके साथ ही ऐड कर देंगे इसका प्याज। अब प्याज को हमने भूनना है जब तक कि ये ब्राउन कलर ना हो जाए दोस्तों। आप सभी से दोस्तों बिल्कुल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करना। आप लोग भूल जाते हो, लाइक नहीं करते हो, तो आज ज़रूर लाइक करना दोस्तों। और यहाँ पर मैंने डाला दोस्तों जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब मैं डाला थोड़ा सा पानी। पानी में इसलिए डाल रहा हूँ, कभी क्या होता है ये चिपकना शुरू हो जाता है कढ़ाई उसमें ना, तो ये उससे प्याज भी गल जाएगा हमारा और वो भी बढ़िया हो जाएगा। तो इसके साथ ही मैंने अदरक और मसाले अब ऐड कर दिए दोस्तों। अदरक हम पैन डालते ना तो अदरक में क्या होता है कि नेचुरली कड़वापन छोड़ना शुरू कर देता है, तो यहीं पर इसीलिए मैंने बाद में डाल रहा हूँ। तो इसी के साथ मैंने यहाँ पर टमाटो ऐड कर दिए दोस्तों, अच्छे से भून लेंगे इनको, टमाटर का कच्चा फ्लेवर रहता है ना, थोड़ा सा पका लेंगे 5 मिनट अराउंड, उसके बाद में छोले ऐड कर देंगे दोस्तों हम। तो इसमें मैंने डाला नमक, नमक हमने पहले छोले में भी डाला है, तो आप उसके हिसाब से अपने हिसाब से बैलेंस करके डाल सकते हो थोड़ा सा थोड़ा सा। तो यहाँ आके दोस्तों हमारे छोले, तो दोस्तों अब आपने अच्छे से इसको मीडियम फ्लेम में और पकने देना है 15-20 मिनट के लिए। आप इसको स्लो में छोड़ दीजिए, बढ़िया से मसाला भी बढ़िया पक जाएगा। तो यहाँ हमारे छोले दोस्तों गए पक, तो इसके साथ ही मैं हरा धनिया, थोड़ा सा गर्म मसाला और कस्तूरी मेथी डाल के इसको मिक्स कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हो छोले यहाँ पर हमारे हो चुके हैं रेडी दोस्तों। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आएगी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों, आप लोग ना भूल जाते हो, तो इस बार आप ज़रूर लाइक करना वीडियो को। तो छोले हमारे मज़ेदार रेडी हो चुके हैं। तो दोस्तों आलू भी बना लेंगे, तो लो बहुत सिंपल तरीके से। यहाँ मैंने डाला तो तेल दोस्तों 2 से 3 चम्मच, थोड़ा सा जीरा डाला मैंने उसके साथ, उसके साथ ही लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ अमचूर पाउडर, और उसके साथ ही पानी दोस्तों पानी डालेंगे ताकि मसाला हमारा जले ना और अच्छे से पक जाए। अब यहीं पर मैं डाल रहा हूँ नमक अपने स्वाद के अनुसार। यहाँ पे मैंने डाला थोड़ा कस्तूरी मेथी दोस्तों। अब यहाँ ऐड कर देंगे आलू, अच्छे से इसको 5 मिनट हल्का सा भूनिए। बस फर्स्ट क्लास से ये छोले के ऊपर आलू खाने का एक अलग ही मज़ा लगता है दोस्तों। देखो फर्स्ट क्लास से हमारे हो गए आलू यहाँ पर तैयार। तो दोस्तों यहाँ पर छोले हो चुके तैयार, मुझे पूरी उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब वाला बटन दबा के रखना दोस्तों। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। जो बेल आइकन भी दबा के रखना दोस्तों, ताकि मेरी वीडियो ऐसी आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय, टेक केयर।